केपलर्स प्लानिटरी मोशन, देर आर थ्री लॉज ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन। दोस्तों जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर्स प्लानिटरी मोशन के थ्री लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन कहता है कि जो भी प्लानेट्स हैं वो सूरज के चौधारी रिवॉल्व करते हैं, यानी ऑल प्लानेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन को हम लॉ ऑफ द ऑर्बिट भी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन, द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, द प्लानेट्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इन इट्स पाथ। यानी ये कहता है कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी होल पाथ में कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि वेरी करती है डिस्टेंस पर, यानी कि चेंज होती रहती है डिस्टेंस टू डिस्टेंस, क्योंकि ये सूरज है और प्लानेट जो है वो इस सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब ये प्लानेट है वो यहाँ पर आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, जब ये यूं आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, अगर ये रिवॉल्व करके यहाँ पर आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम, यानी डिस्टेंस पर, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है पेरिहेलियन पर और इसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है एफिलियन पर। और थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लानेट अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। यानि जो टाइम पीरियड है रिवॉल्व करती हुई प्लानेट की अराउंड द सन जो रिवॉल्व कर रही है उसकी जो टाइम पीरियड होगी तो वो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस से, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। यह है थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स प्लानिटरी मोशन।